एज यू ऑल नो लास्ट 100 days बचे हैं, सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम. सो मैं आपको वो मिस्टेक्स बताना चाहूंगी, 10 ऐसी मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे करते हैं एंड उसके बाद अपना स्कोर खराब कर लेते हैं, या फिर उनके जितना स्कोर आ रहा होता है वो उतना स्कोर नहीं कर पाते एग्जाम्स में, या फिर कैसे वो अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर वो जिस पेस पे हैं उसको कंटिन्यू रख सकते हैं. सो फॉर ऑल ऑफ दिस डू वॉच द वीडियो टिल एंड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल डू सब्सक्राइब इट. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Prerna and I'm a first year medical student. The first mistake that many students do is कि बहुत बच्चों का जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता ना, वो भी टॉपर्स के इंटरव्यूज ये सब देख के, लाइक टॉपर्स जो होते हैं ना वो ये बोलते हैं कि हम दिन में 2 टेस्ट करते थे, 1 टेस्ट करते थे. तो देखो उन बच्चों ने ना अपना सिलेबस बहुत बार कंप्लीट कर लिया एंड वो लास्ट के एंड टाइम पे भी अपने सिलेबस को 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होते हैं, तो उनके पास बहुत टाइम होता है कि वो रोज भी टेस्ट दे पाए क्योंकि उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट है. बट तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी नीट देने वाली है उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है. तो आप अगर डेली टेस्ट देने बैठोगे तो तुम्हारा वो रिजल्ट नहीं आएगा. तुम पहले चीजें तो पढ़ लो. तो अगर तुम 3 घंटे टेस्ट दे रहे हो उसकी जगह पे तुम 3 घंटे चैप्टर को पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा आएगा. तो रोज टेस्ट तुम्हें नहीं देने. अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम वीक में 2 से 3 टेस्ट दो, 3 भी मैक्सिमम है, 2 काफी है तुम्हारे लिए. पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, बिकॉज अगर तुम्हें 200 क्वेश्चन मान लो अगर पेपर में है तो उसमें से 150 क्वेश्चंस तुम्हारे जो चैप्टर है ना उसको पढ़कर आ जाते हैं. जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस से आते हैं. तो पहले 150 को तो सिक्योर करो, 50 को बाद में करना. सेकंड मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स डू इज कि वो ना अपना जो स्लीपिंग पैटर्न ना उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं. लाइक वो ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल 15-16 घंटे पढ़ेंगे और बिल्कुल ही नीट को बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि वो पता क्या सोचते हैं कि हम ना रात को 2-3 घंटे सोएंगे एंड दिन में फिर वो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे नैप्स ले लेते हैं और फिर ऐसे वो ये देखते हैं कि नहीं हमें बहुत ज्यादा आर्ट्स पढ़ लिया. बट वो ये नहीं देख पाते कि ना कि जो उनके आर्ट्स होते हैं ना वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, बिकॉज तुम बीच बीच में नैप ले रहे हो तो फिर तुम थोड़े थोड़े टाइम पर तुम डिजी फील करोगे, तुम्हें नींद आएगी और वो प्रोडक्टिव नहीं होता. इससे ज्यादा अच्छा आइडिया है कि तुम 6 घंटे प्रॉपर सो और उसके बाद पूरा दिन बिल्कुल प्रोडक्टिव निकालो और पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? तो ये बीच में जो ये वाला पैटर्न है कि रात को 3 घंटे सोना और फिर उसके बाद दिन में थोड़े-थोड़े देर पर बार-बार सो रहे हो, तो ये मत करना. इससे कोई फायदा नहीं होता. इससे ज्यादा बढ़िया एक बार में डायरेक्ट सो और पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा करके बिल्कुल अच्छे से लाइन से पढ़ो, ठीक है? वो ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होगा तुम्हारा. थर्ड मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू इज दे ओवर थिंक अलॉट. मतलब वो इतना सोचते हैं ना, लाइक मतलब पढ़ते पढ़ते वो स्टार्ट कर देंगे सोचना कि हमारा होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा. लाइक ऐसा नहीं है, हमारा हो गया तो हम बोल सकते हैं इजिली, बट हमें भी वो थॉट्स आते थे. बट वो थॉट्स जब तुम सोचने लग जाओगे ना तो आगे के तुम्हारे 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे और फिर उसके बाद तुम्हें आगे पूरे दिन लग गया कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, अब नहीं पढ़ा जा रहा, और फिर वो तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. तो इससे बेटर है कि जैसे ही तुम्हें वैसे थॉट्स आने लगे ना तो जाके किसी से बात कर लो, अपनी फैमिली में तुम्हें जो भी सपोर्ट करता है या फिर जो भी तुम्हें और ज्यादा मोटिवेट करेगा कि नहीं तुम कर सकते हो उससे बात कर लो, या फिर उन थॉट्स को बिल्कुल छोड़ कर ना ऐसे ही चले जाओ, कुछ और काम करने लगो. फोन मत चलाना प्लीज, बिकॉज तुम फिर वही करते रह जाओगे, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रह जाओगे. फोन नहीं चलाना, नॉर्मली जाके थोड़ा टाइम ऐसे ही बैठो बिना बुक्स के, ताकि तुम्हारा जो ये प्रोकास्टिनेशन है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू इज दे डोंट इवन कंप्लीट देयर सिलेबस. वो अपना सिलेबस भी पूरा खत्म नहीं करके जाते. तो अगर तुम सिलेबस ही खत्म करके नहीं जाओगे ना नीट में तो तुम्हारे आधे क्वेश्चन तो ऐसे ही रह जाएंगे, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कहाँ से ज्यादा आने वाला है या कहाँ से कम आने वाला है. अब कोई वेटेज नहीं रह गई है, ठीक है? तो अभी भी जिन बच्चों का नहीं हुआ है, तो फिजिक्स वाले ने वापस एक नया कोर्स लॉन्च किया, दैट इज अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0, जो कि स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी 2023 से. इस बैच में आपको लिमिटेड टाइम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का पूरा सिलेबस एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू कंप्लीट कराया जाएगा. क्लासेस वीक में मंडे टू सैटरडे 6 डेज रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम बोलोगे नहीं 5 दिन चाहिए, वीकेंड्स चाहिए, वीकडेज चाहिए, छोड़ दो, प्रॉपर 6 दिन होंगी, प्रॉपर क्लासेस होंगी. डेली लेक्चर्स के PDFs एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद द वीडियो सॉल्यूशंस विल बी अवेलेबल इन द ऐप. एंड नाउ द कॉस्ट ऑफ दिस बैच दैट इज 1299. एंड इस बैच के अंदर आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि आपको आपकी परफॉर्मेंस इवेलुएट करने में हेल्प करेगा एंड ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा. सो यू कैन यूज माई कोड फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 150 रुपीज़.
So do check the description box for the link. फिफ्थ मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू इज कि वो ना ये सोचते हैं कि अभी मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं तो नीट में इतने आ जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा. वो इसको सोचने में से प्लान आउट करने में कि ऐसे ऐसे ये होएगा उतने में ही सारा टाइम निकाल देंगे अपना. तो देखो पहली बात तो कंपेरिजन करना छोड़ दो, बिकॉज जो नीट का एग्जाम आता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है इससे जो आप टेस्ट दे रहे हो ना अपने कोचिंग्स के. बिकॉज तुमने ये देखा होगा कि तुम कितनी भी एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तुम्हारे कोचिंग में बायोलॉजी में कभी फुल नहीं आने वाले, बट नीट में तुम्हारे आएंगे, बिकॉज नीट में एनसीईआरटी बेस्ड आएगा एग्जाम. तो तुम ये मत सोच के चलो पहले ही कि मेरे को तो नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रही है, नहीं आ रहा. तो नीट का कोई कंपेरिजन नहीं है, नीट का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है. तुम्हें कोचिंग में मार्क्स नहीं लाना है, तुम्हें नीट में मार्क्स लाना है. तो अगर तुम एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो वो मोर देन इनफ है. तुम्हें ये नहीं सोचने की जरूरत है कि कोचिंग में मार्क्स नहीं आ रहे तो अभी मॉड्यूल भी उठा लेते हैं, बिकॉज मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं. बायोलॉजी में तो 360 चाहिए, तो तुम ये सोच के अभी भी मॉड्यूल उठा लोगे कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. तुम्हें एट द एंड मार्क्स अपने नीट में चाहिए, कोचिंग के पेपर में नहीं चाहिए. तो नीट के लिए तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है. तुम्हें यकीन नहीं है तो पेपर्स उठाकर देख लो, एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है पेपर. सिक्स्थ मिस्टेक इज बहुत बच्चे एंड मोमेंट पे जाके सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बुक सॉल्व कर लेते हैं, वो बुक सॉल्व कर लेते हैं, और उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता. तो तुम ये सोचो कि अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हारे अगर उस पेपर में से अगर तुम्हें कोई 100 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो तुम्हें 60-70 क्वेश्चंस ना उस चैप्टर को पढ़ने से आएंगे. जो बचे हुए 30 है ना वो किसी बुक से या किसी उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आएगा. तो पहले तुम उन 60-70 को तो सिक्योर करो. तुम पहले चैप्टर तो पढ़ो, अपना सिलेबस तो कंप्लीट करो. जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो तुम्हें 70 से 100 तक लेकर जाते हैं, बट तुम पहले 70 तक तो पहुंचो 100 में से. उसके लिए तो तुम्हें चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा इंस्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए. तो एंड के टाइम पे जिनने अपना सिलेबस नहीं करा, तुम पहले सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दो इंस्टेड ऑफ गिविंग टेस्ट या फिर अलग अलग बुक्स उठाना. एंड मोमेंट पे नई चीजें बिल्कुल भी नहीं उठानी है. द नेक्स्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज वो OMR का यूज नहीं करते एंड वो ना बेड पे बैठे बैठे पेपर सॉल्व कर रहे हैं. तो तुम्हें ना वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा कभी जो तुम्हें वहां पे जाके नीट में मिलने वाला है. तो तुम ना ये ट्राई करो कि एक तो तुम 2 से 5 के बीच में ही एग्जाम दो और पूरी की पूरी उन्हीं कंडीशन में पेपर दो, टेबल पे बैठ कर, बिकॉज तुम्हें उस दिन जाके टेबल पे बैठ के पेपर देना पड़ेगा. एंड तुम्हें जब अपने बेड में ऐसे आराम आराम से पेपर करने की आदत है ना, तुम उस दिन अपने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस चीज को, ठीक है? तो तुम उस चीज के अंदर अपना हैबिचुअल हो जाओ और उसी पैटर्न में पेपर दो और OMR के साथ दो. ऑल्सो द लास्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू इज कि वो एंड टाइम पे बहुत ही ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लाइक 15-16 आवर्स. ये टाइम वाला पॉइंट हो गया है, बट फिर भी मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगी, बिकॉज 15-16 आवर्स मैटर नहीं करते, प्रोडक्टिव टाइम मैटर करता है तुम्हारा. तो एक स्ट्रेच में सो एंड जो पूरा का पूरा दिन प्रोडक्टिवली गुजारो वो ज्यादा बेटर है, इंस्टेड छोटे छोटे नैप्स लेते रहो पूरे दिन और पूरे दिन डिजी फील करते रहो, तुम्हें याद भी नहीं होगा उससे. सो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन द लास्ट 2-3 मंथ्स. सो तुम सच में इन चीजों को फॉलो करोगे ना तो तुम्हें सच में कुछ तो हेल्प हो सकती है. लाइक अगर तुम्हारे 300-400 आ रहे हैं तो कुछ तो स्कोर तुम्हारा बढ़ सकता है, या फिर तुम्हारा जितना स्कोर आ रहा है वो एटलीस्ट कम नहीं होगा नीट में, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल. बाय बाय.